नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में 34 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का लोकार्पण। रेलवे तरहा स्थित 3 लेग फ्लाईओवर का औपचारिक रूप से लोकार्पण कर जनता को दिया गया समर्पित। आपको बता दें कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते जिले में आचार संहिता लागू है, जिसके चलते विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD विजय मिश्रा द्वारा फीता काट कर लोकार्पण किया गया है। इस दौरान DSP यातायात मनोज शर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बता दें कि त्रिकोणीय फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1100 मीटर है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, ये हमने इसको बनाया है और इसका आज जनता को समर्पण कर रहा हूँ और ये अध्यादेश हो जाने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन किया है। अभी टेस्टिंग। आपका नाम? विजय मिश्रा, कंपनी का मंत्री डायरेक्टर। विजय कुमार मिश्रा कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड जिसने पुल बनाया है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कितनी लागत से बनाया? ये है 34 करोड़ का। क्या समय अवधि कहती है इसकी? समय अभी 28 महीने की, पर चूँकि इसमें कोरोना काल का संकट भी आया और सबसे ज़्यादा हाई टेंशन लाइन थी, इसके कारण जो है थोड़ा देरी हुई। इसमें 1.5 साल ज़्यादा लग गया। और दूसरे आज टेस्टिंग का कार्यक्रम था ना? आज टेस्टिंग का जनता को सौंप दिया मैंने, बाकी वो शासन स्तर पर विधिवत इसका लोकार्पण किया जाएगा। आचार संहिता के कारण जो है ये लोकार्पण नहीं किया जा सका, पर जब पुल बन के तैयार हुआ तो हम लोग सौंप दिए जनता को, अपनी तरफ से सौंप दिया अपनी तरफ से।